ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। सभी शरणबद्धों को मेरा शरणु शरणार्थी। चलो है ना, आज श्रावण महीना के निमित्त विशेष कार्यक्रम, विशेष प्रवचन मालिका कार्यक्रम श्रावण महीने के अंतर्गत इस डिजिटल मीडिया के अंतर्गत किया जा रहा है। सभी शरणबंधुओं को, आयोजित किया हुआ सभी शरणों को और कार्यकर्ताओं को मेरा शुभकामनाएं। आज श्रावण महीना के निमित्त जो विशेष कार्यक्रम हम कर रहे हैं, श्रावण महीने का अर्थ यह है कि भारतीयों के लिए, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार श्रावण महीना को एक अहम माना जाता है और इस महीने में हर एक व्यक्ति को भक्ति और श्रद्धा से भजन प्रवचन करना, प्रवचन सुनना और भजन करना, धार्मिक एक्टिविटीज इस समय श्रावण महीने में किया जाता है। हर धर्म के अनुयायियों को एक एक महीना पवित्र मास होता है। जैसे क्रैस्तों के लिए होली मंथ कहा जाता है दिसंबर महीना में, और रमजान महीना इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र माना जाता है। उसी तरह लिंगायत धर्म अनुयायियों को श्रावण महीना एक विशेष माना जाता है। श्रावण महीना को हम शरण मास भी कहते हैं, शरणों का मास कहा जाता है, शरणों का महीना कहा जाता है, इसलिए कि लिंगायत धर्म के संस्थापक धर्मगुरु विश्वगुरु बसवण्ण का लिंगैक्य देहांत श्रावण महीना में श्रावण शुद्ध पंचमी के दिन हुआ था। इसलिए आने वाले 25 तारीख को महात्मा बसवेश्वर जी का लिंगैक्य दिवस है। नाग पंचमी, जिसको हिंदू, संप्रदायवादी हिंदुओं ने नाग पंचमी कहकर त्यौहार मनाते हैं, क्षण मनाते हैं, लेकिन लिंगायत धर्मियों के लिए वो नाग पंचमी नहीं है। नाग को, दगड़ के नाग पर दूध डालकर वेश करना हमारे धर्म के अनुसार वो गलत है। हम धर्मगुरु बसवेश्वर जी के लिंगायत के दिवस मनाते हैं, उसको हम नाग पंचमी नहीं कहते, बसव पंचमी कहा जाता है। बसव पंचमी 25 तारीख को जो नाग पंचमी है सभी लोग मनाते हैं। हमारे बसव धर्म के अनुयायियों के लिए, बसव भक्तों के लिए नाग पंचमी नहीं है, वो बसव पंचमी है। बसव पंचमी का मतलब महात्मा बसवण्णा, विश्वगुरु बसवण्णा, हमारे धर्मगुरु लिंगायत धर्म संस्थापक गुरु बसवण्णा जी का लिंगायक्य दिवस है। गुरु बसवेश्वर जी का जन्म कर्नाटक के बीजापुर जिले के बागेवाड़ी में उनका 1134 में हुआ, वैशाख मास अक्षय तृतीय के दिन। बसव जयंती आप सबको पता है, हर एक प्रवादी महात्माओं के, प्रत्येक प्रवादियों के, महात्माओं के जीवन में उनका 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक जन्म दिवस और एक साक्षात्कार परमात्मा का अनुग्रह पाने वाले दिवस, और अंत में उनका देहांत जिस दिन होता है, लिंगैक्य होते हैं उस दिन। जो सभी प्रवादियों के, महात्माओं के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जन्म दिवस, साक्षात्कार दिवस, और जो अनुभूति परमात्मा का अनुग्रहति पाए रहते हैं उस दिन, और जिस दिन उनका देहांत होता है। उसी तरह बसवेश्वर जी के जीवन में भी 3 दिवस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जन्म दिवस 1134 अक्षय तृतीय वैशाख मास के दिन बसव जयंती हम मनाते हैं, और उसके बाद कूडल संगम में उन्होंने वैदिक धर्म का कर्मकांड, संप्रदाय, छुआछूत का भेदभाव और स्त्री पुरुष का भेदभाव, बलि चढ़ाना,
इन सबको विरोध करके उन्होंने अपने 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़कर निकले बसवन बागेवाड़ी से। आज बसवन बागेवाड़ी कहा जाता है, उस दिन 12वीं सदी में उसको इंगलेश्वर बागेवाड़ी कहा जाता था। बागेवाड़ी से बालक बसवन्ना 8वें वर्ष के उम्र में कूड़ल संगम चले गए और वहाँ पर कूड़ल संगम में 12 वर्ष तक रहकर उन्होंने एक तपस्या के और सभी धर्म के अध्ययन, वेद शास्त्र पुराण आगम सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया और 12 वर्ष के बाद अपने 20 वर्ष के उम्र में इष्ट लिंग के उन्होंने शोध की ताकि परमात्मा को पूजा करने का अधिकार इस समाज में मानव मात्र को हर एक व्यक्ति को चाहिए और मंदिरों में शूद्रों को जाने के लिए प्रवेश नहीं था, अछूतों को तो गांव में आने का भी प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं था उस समय। तो गुरु बसवेश्वर जी ने परमात्मा की पूजा करने के लिए सबको एक चिन्ह दिया, उनका वो इष्टलिंग जनक बसवन्ना हम कहते हैं। उस इष्टलिंग को उन्होंने संशोधन करके हमें हर एक व्यक्ति को अपने डावे हाथ पर रखकर हथेली पर रखकर पूजा करने के लिए उन्होंने दिया। जिस व्यक्ति गुरु से इष्टलिंग दीक्षा लेकर पूजा करता है उस व्यक्ति को उन्होंने लिंगायत कहा। इसलिए लिंगायत एक जाति नहीं, लिंगायत एक मत पंथ नहीं, लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है। चांबार हो, ढोर हो, मांग हो, कोई भी हो, इष्टलिंग दीक्षा लेकर गुरु से अनुग्रहित होकर इष्टलिंग दीक्षा पाने के बाद वो लिंगायत बन सकता है। इसलिए अनुभव मंडप पे 770 शरणों ने हर एक जाति के महात्मा शरण चेतन हो गए। अनुभव मंडप को विश्व का पहला पार्लियामेंट माना जाता है। आर्थर माइल्स ने, विदेशी तत्वज्ञानी आर्थर माइल्स ने कहा अनुभव मंडप विश्व का पहला पार्लियामेंट है। तो बसवेश्वर जी अपने 21वें उम्र में कूड़ल संगम में इष्टलिंग की शोध करके और उस इष्टलिंग में निराकार निर्गुण निरंजन लिंग देव का अनुग्रह उसमें इष्टलिंग में अवतीर्ण करके उन्होंने वहाँ से मंगलवेड़ा गए। मंगलवेड़ा में जाने के बाद नीलगंगा माँ जी से उनकी शादी हुई। 5 साल तक मंगलवेड़ा में थे। उसके बाद बिज्जल राजा कल्याण जाते समय बसवेश्वर जी अपने परिवार के साथ कल्याण चले जाते हैं और कल्याण में जाने के बाद महात्मा बसवेश्वर जी प्रधानमंत्री के आस्थान में, बिज्जल राजा के आस्थान में उन्होंने अर्थमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री भी बने और उसके साथ साथ एक जनतंत्र का उन्होंने निर्माण किया अनुभव मंडप के द्वारा। कल्याण में अनुभव मंडप स्थापना किए और उस कल्याण के अनुभव मंडप में शून्य पीठ की स्थापना की। शून्य पीठ का मतलब यह है कि जाति से कोई उच्च और नीच नहीं हो सकता, वो ज्ञान से और संस्कार से हर व्यक्ति गुरु बन सकता है। केवल ब्राह्मण ही गुरु होने का अधिकार है ऐसे संप्रदायवादी मानते थे, लेकिन बसवेश्वर जी ने इस हिंदू समाज के अत्यंत निकृष्ट माने जाने वाले नटवर जाति के इस समय जन्म लिया हुआ अवतरित अल्लम प्रभु देव जी को शून्य पीठ का पहला अध्यक्ष यानी जगतगुरु बनाए, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान में एक उच्च नीच जाति में जन्म लेने वाले अल्लम प्रभु देव जी को जगतगुरु बनाने का इतना आसानी की बात नहीं है। पहला जगतगुरु हमारे अछूत जनांग के हैं अल्लम प्रभु देव जी, लेकिन भक्ति ज्ञान और वैराग्य से वो महान व्यक्ति थे अल्लम प्रभु देव जी। उनके प्रवेश का इन्होंने इंतजार कर रहे थे गुरु बसवेश्वर जी। अनुभव मंडप का पहला अध्यक्ष, शून्य पीठ के अध्यक्ष जगतगुरु अल्लम प्रभु बनने के बाद, उसके बाद अनुभव मंडप
36 साल तक कल्याण में रहकर बसवेश्वर जी कल्याण राज्य के निर्माण किए। उस सुखी समृद्ध और संतृप्त सुविधान युक्त दैवी राज्य का उन्होंने निर्माण किया। अपने 62 वर्ष और 3 महीना 2 दिवस तक बसवेश्वर जी का जीवित अवधि, उनका कालखंड जीवित अवधि 23वीं उम्र में उनका लिंगायत हुए 62 साल 3 महीना और 2 दिवस बसवेश्वर जी इस धरती पर अपनी सार्थक जीवन बिताकर कल्याण राज्य निर्माण करके सृष्टिकर्ता परमात्मा से जो संकल्प लेकर आए थे उस संकल्प उन्होंने पूर्ण किया। और उसके बाद वर्णांतर विवाह करने से चांबर हरड़ैया के बेटा शीलवंत और ब्राह्मण मधुवर्ष मंत्री मधुवर्ष की बेटी लावण्या, इन दोनों के बीच में उन्होंने शादी करवाई। शादी करवाने के बाद, वर्णांतर विवाह होने के बाद, जातिवादी लोगों ने बसवेश्वर जी के विरोध में भटके हुए बिज्जड़ राजा को उन्होंने चुगली बताया और बसवेश्वर जी को हद पार की शिक्षा दी गई। और वर्णांतर विवाह में भाग लिए हुए सभी शरण हरड़ैया, मधुवर्ष और शीलवंत को हाथी के पैर को बांधकर, जंजीर से बांधकर खींचा जाने की एड़ेहूटी शिक्षा दी गई। और उधर बसवेश्वर जी कूड़ल संगम जाकर अपने पत्थर से बनाए हुआ गुफा में बैठकर इष्टलिंग पूजा करते हुए उन्होंने अपने आत्मशक्ति को कुंडलिन शक्ति जागृत करके इष्टलिंग योग से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ऐसे षट चक्र को छेदन करके गुरु बसवेश्वर जी अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन किया। इस प्रक्रिया को हम लिंगांग योग कहते हैं। हम हर रोज भी लिंगायक हो सकते हैं, कारण भक्त महेश प्रसाद प्राणलिंग शरण आई के ये जो षट स्थल है रोज हम अपनाने का एक प्रक्रिया है। गुरु बसवेश्वर जी इस योग के तहत आत्मा को उन्होंने परमात्मा में विलीन किया। लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र में साहित्यकार लोगों ने बसवेश्वर जी के बारे में और उनके लिंगायक के बारे में झूठी कहानी अपने मन इच्छा के अनुसार स्वेच्छाचार उन्होंने लिखा है। बसवेश्वर जी ने खुदकुशी की थी, आत्महत्या कर लिए, एक पुस्तक में लिखा था साहित्यकार ने। और कई लोग कहते हैं उनकी हत्या हुई थी, सैनिकों ने उनको पीछे पर करके उनकी हत्या की, लेकिन ये दोनों भी झूठ है। कन्नड़ वचन साहित्य है, गुरु बसवेश्वर जी अंत तक उन्होंने वचन लिखा है। अंत में उन्होंने लिंगायत के होते हुए भी उनका एक वचन है, भक्ति एंब पृथ्वी अमेले गुरु एंब बीजवंकुरिसी लिंगवेंब यलेयायित्तु विचारवेंब हूवायित्तु आचारवेंब ಕಾಯಾಯಿತ್ತು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಹಣ್ಣಾಯಿತು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಹಣ್ಣು ತೊಟ್ಟು ಕಳಚಿ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಿ ಪೃಥ್ವಿ ಪರ್ ಗುರು ರೂಪಿ ಲಿಂಗ ಔರ್ ವಿಚಾರ ರೂಪಿ ಆಚಾರ ರೂಪಿ ಹೂಲ್ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ರೂಪಿ ಫಲ್ ಐಸೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏಕೇಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ ಚಡತೆ ಹುವೆ सेट स्थल के अनुसार उनका लिंगायक यानी उनका देहांत हुआ था, उसको हम लिंगायक कहते हैं। लिंग में ऐक्य होना, लिंगांग योगी, इसको जीवित समाधि भी कहा जाता है। बहुत से हमारे शरण लोगों ने इच्छा मरण सिद्धि उन्होंने पाए हुए थे, इच्छा मरण सिद्धि। जब उनका मन चाहता है तब आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं। ऐसी सिद्धि हम इष्टलिंग योग करने से, इष्ट लिंग पूजा करने से हम भी वो सिद्धि पा सकते हैं। ऐसे एक सिद्धि पुरुष और षट्स्थल सिद्धांत देने वाले महाप्रवादी बसवेश्वर जी का लिंगैक्य पंचमी के दिन, श्रावण महीने के पंचमी के दिन, श्रावण शुद्ध पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए हम बसव पंचमी मनाते हैं। बसव पंचमी का मतलब जो पत्थर के नाग पर दूध चढ़ाने से वो गटर में बहकर वेस्ट हो जाता है, उसी दूध को लेकर और फ्रूट्स लेकर, फल लेकर हम किसी सरकारी अस्पतालों में रहे मरीजों को
मरीजों को हम दूध दे सकते हैं, फल दे सकते हैं। गुरु बसवेश्वर जी का जो लिंगाय के दिवस हम इस तरह मनाना चाहिए, यानी अनाथ आश्रम में जाकर आप दूध पिलाइए बच्चों को, या मरीजों को सरकारी अस्पतालों में गरीब जो मरीज होते हैं पेशेंट, उनको दूध पिलाकर गुरु बसवेश्वर जी के जो आत्मा को शांति मिले, ऐसे प्रार्थना करके। और घर पर सब लोग घर में उस दिन बसव पंचमी के दिन बसवेश्वर जी का फोटो रखकर पूजा प्रार्थना करना चाहिए बसव भक्तों ने। और केवल पंचमी के दिवस ही नहीं, षष्ठी पंचमी के दूसरा दिन षष्ठी आता है, उस दिन गुरु बसवेश्वर जी के धर्मपत्नी नीलगंगम्मा यानी नीलांबिका ताई, इनका लिंगायक दिवस है। बसवेश्वर जी लिंगायक होने के दूसरे दिन ही नीलांबिका ताई, इनका भी देहांत हुआ था, वो कूडल संगम के पास तंगड़ी में उनकी समाधि है, ऐक्य मंडप है। इसलिए पंचमी और षष्ठी लिंगायत धर्म अनुयायियों के लिए एक पवित्र दिवस है। इसलिए सदियों से 12वीं सदी से आज तक भी श्रावण महीना में लिंगायत समाज में और बसव भक्तों ने श्रावण महीना को शरण मास कहकर आचरण करते हुए आए हैं। हम सब लोग श्रावण महीना के तहत वचन चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन और बसवेश्वर जी के तत्व को अनुष्ठान करना, जिस तरह रमजान महीना में कुरान को वाचन करते हैं इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने, और भक्ति श्रद्धा से उन्होंने नमाज करते हैं पांच वेद, उसी तरह लिंगायत धर्म के अनुयायी हम बसव भक्त लोग सभी लोग श्रावण महीना के अंदर हम सब लोग वचन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, पारायण करना चाहिए, और कनिष्ठ दो बार तो हम लिंग पूजा करना चाहिए। हम तो करते हैं, हम स्वामी जी महाराज लोग तो रोज करते हैं तीन बार, लेकिन दो बार तीन बार करते हैं दीक्षा देते समय, फिर लिंग पूजा करते हैं, हमारा वही कायक है, लेकिन धर्म प्रचार करना ही हमारा कायक है। लेकिन आप सब लोग भी, गृहस्थी लोग भी रोज दो बार लिंग पूजा करने का प्रथा और लिंग पूजा करने का व्रत इस श्रावण महीने के अंदर करना चाहिए। और वचन साहित्य लिंग पूजा करने के बाद कनिष्ठ लिंग पूजा होने के बाद चार पांच तो वचन का पारायण करना चाहिए, और वो कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है, मराठी में है, हिंदी में है, सभी भाषाओं में अभी केंद्र सरकार के द्वारा सभी भाषा में 27 भाषाओं में वचन साहित्य का प्रकाशन हुआ है। और आप सब लोग इस वचन साहित्य को, बसवेश्वर जी का जो वचन है मराठी में, हिंदी में, सभी भाषा में है, आप लिंग पूजा होने के बाद कनिष्ठ पक्ष चार ते पांच वचन तो अध्ययन करना चाहिए और उसका अनुष्ठान करना चाहिए। बसव भक्तों का यही है, हमारे धर्मगुरु यानी धर्म स्थापक गुरु बसवेश्वर जी हैं, और हर एक धर्म को एक धर्म ग्रंथ होता है, कुरान है, बाइबल है, ग्रंथ साहिब है, उसी तरह हमारे बसव भक्तों के लिए, बसव धर्म के अनुयायियों के लिए, लिंगायत धर्म के अनुयायियों के लिए हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ वचन साहित्य है। वचन साहित्य अनुभव मंडप के अंदर, अनुभव मंडप के अंदर गुरु बसवेश्वर जी, अलम प्रभुदेव जी, चिन्मय ज्ञानी चन्नबसवण्णा, अक्क महादेवी, अक्क नागम्मताई और सभी सिद्धरामेश्वर, ऐसे 770 शरणों ने चिंतन करके हमें वचन साहित्य दिया है। उस वचन साहित्य को हम श्रद्धा से अध्ययन करना चाहिए, पारायण करना चाहिए, और उस वचन साहित्य को अपने जीवन में अनुपालन करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली अमल में लाने के लिए और अपने जीवन में अनुपालन करने के लिए ये श्रावण महीना एक साधन होना चाहिए। और इस श्रावण महीने के अंदर सभी बसव भक्तों ने लिंग पूजा करके गुरु लिंग जंगमा यानी गुरु लिंग जंगम पूजा करते हुए, जंगम सेवा करते हुए, जंगम का मतलब समाज, जंगम का मतलब ज्ञान, हम गुरुलिंग जंगम तत्व ट्रिनिटी तत्व के अनुयायी हैं, और बसवेश्वर जी की पूजा प्रार्थना करके करके वचन साहित्य का अध्ययन करते हुए इस श्रावण मास के अंतर्गत, शरण मास के अंतर्गत हम सब लोग शरणों का तत्व, बसव तत्व अपने जीवन में अनुष्ठान करने के लिए, अपनाने के लिए और अनुपालन करने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को बसव पंचमी और शरण मास के
निमित्त सभी लोगों को शुभेच्छा और हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बहुत सारे विषय है श्रावण महीने के अंदर, हम वचन के आधार पर प्रवचन करेंगे। आज पहला दिवस, कल पूजा महाजगद्गुरु गंगा माता जी से उद्घाटन हुआ है प्रवचन मालिका। आज हम श्रावण महीने का मतलब क्या है और क्यों हम श्रावण महीने के अंतर्गत ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। आज कोरोना वायरस से भयभीत होकर पूरा विश्व अल्लोल कल्लोल हुआ है, ऐसे एक संदिग्ध स्थिति में हम सोशल मीडिया उपयोग करके, हम मोबाइल के द्वारा डिजिटल कार्यक्रम हर जगह हो रहा है। ऐसे औरंगाबाद से हमारे गणेश वैद्य और सभी कार्यकर्ता शरण बंधुओं ने डायरेक्ट फेसबुक लाइव ये कर रहे हैं पेज से, तो ये खुशी की बात है। आप सबको गुरु बसवेश्वर जी और सभी शरणों का, सृष्टिकर्ता परमात्मा का अनुग्रह आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहे। और ऐसे जास्त कार्यक्रम अभी आपसे हुए और समाज के लिए और धर्म प्रचार के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। महाराष्ट्र के सभी शरणों को श्रावण मास के, इस शरण मास के निमित्त सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक शुभेच्छा। सर्वरिगु शरण शरणार्थी, सभी को शरण शरण।